नमस्ते किसान भाइयों, मैं राम पटेल सिजेंटा में कार्यरत हूँ। मैं आपको रबी के लिए, रबी की मक्का के लिए सबसे बढ़िया वेराइटी होती है 77-20। मैं आपको मेरा अन्नदाता किसान चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा अगर हम अपन मक्का लगा रहे तो सबसे पहले होता है भूमि का चयन। अगर भूमि का चयन सही होगा तो अपना उत्पादन भी अच्छा होगा। 77-20 मध्यम से भारी जमीन तक का लिए अच्छी वेराइटी है, जिसमें अपना उत्पादन अच्छा ले सकता है। उसके बाद होती है दूरी। दूरी के लिए अपन को 2 फीट लाइन से लाइन की 8 इंच पौधे से पौधे की दूरी लेना है, जिससे पौधों की अपनी संख्या ज़्यादा होगी होती है। उसके बाद होता है खाद। खाद अगर अपन डाल रहे तो 3 स्टेप में डालना है। जब अपन बोते तब, उसके 30 दिन बाद, उसके 60 दिन बाद, और इसमें प्रति एकड़ 10 किलो जिंक डालना जरूरी होता है। और इसकी बीज दर अपन को 8 किलो प्रति एकड़ ही लेना है। और इसका सबसे बढ़िया है कि जब चावर के टाइम पे होता है मक्का, उस टाइम पे हमें पानी देना जरूरी होता है, जिससे अपना दाना अच्छा भरा रहे और हाइट अच्छी हो जाए। और इसकी विशेषता ये है कि अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसमें रोग लगने की कम से कम क्षमता होती है, ज़्यादा रोग नहीं लगता है। उसके बाद इसकी एक विशेषता है, हाइट कम लेता है, जिससे गिरने की समस्या कम से कम होती है। उसमें इसके भुट्टे में दाने लाइन होती है 16 से 18, और दानों में की लाइन की संख्या होती है 40 से 50, जिससे अपना भुट्टा अच्छा साइज लेता है, जिससे उत्पादन अपना अधिक से अधिक मिलता है। और इसमें अभी जो एक वो लग रही है फॉल आर्मी वार्म, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में एक स्प्रे की ज़रूरत होती है, 25 से 30 दिन में उसका करना है चाहिए। और उसके अगर हमें लगता है कि 50 से 60 दिन में अगर भुट्टे में अगर कहीं नीली लगती है तो डालना है जरूरी होता है, नहीं तो डालना जरूरी नहीं होता है। अगर अपन रबी में मक्का लगा रहे तो 77-20 को लगा कर देखें। मैं आपसे सभी किसान भाई से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं 77-20। नमस्ते।